Hello students, in our previous video we have studied about thermometer, ठीक है? और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी थर्मामीटर हो उसमें एक लिक्विड फिल किया जाता है जो सिल्वर कलर लिक्विड होता है, दैट इज नोन एज थर्मामीटर. ओके, सो इन दिस वीडियो, इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी रीजन फॉर यूजिंग मर्करी एज थर्मामीटर लिक्विड. क्यों थर्मामीटर में मर्करी ही यूज करते हैं, कोई अदर लिक्विड यूज नहीं करते हैं, ठीक है? इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्यों लिक्विड ही यूज करते हैं, सॉलिड या गैस नहीं यूज करते हैं. बिकॉज कि सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में एक्सपेंशन होता है लिक्विड से, बट लिक्विड ही क्यों यूज किया जाता है. तो वहां पर हमने देखा था कि सॉलिड में चूंकि एक्सपेंशन बहुत स्लो होता है और गैसें भी बहुत हाई रेट से होता है, ठीक है? दोनों केस में अगर सॉलिड या लिक्विड फिल करते हैं, इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द टेम्परेचर करेक्टली. ओके, सो वी यूज लिक्विड इन द थर्मामीटर, बट व्हाई थर्मामीटर इज, ठीक है, दैट इज स्टडी इन दिस लेक्चर. रीजन फॉर यूजिंग थर्मामीटर एज थर्मामीटर लिक्विड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वन इज इट एक्सपेंड्स इजिली एंड यूनिफॉर्मली ऑन मटेरियल. थर्मामीटर यूज करने के पीछे रीजन क्या है कि थर्मामीटर में अगर मर्करी यूज करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है कि क्योंकि मर्करी में एक्सपेंशन इजिली होता है, यानी कि जैसे ही हीट होगा वो उसमें एक्सपेंशन आसानी से एक्सपेंशन होगा, आसानी से उसमें फैलाव होता है और यूनिफॉर्मली होता है. यूनिफॉर्मली मतलब कॉन्स्टेंट रेट से होता है, यानी एक बराबर एक्सपेंशन होता है, ठीक है? जबकि अगर लिक्विड या गैस होता, सॉलिड या गैस होता, तो सॉलिड में बहुत धीरे धीरे एक्सपेंशन होता और लिक्विड गैस में बहुत फास्ट. तो उस कंडीशन में वहाँ पे टेम्परेचर को रीड करना पॉसिबल नहीं होता है करेक्टली, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मर्करी यूज करते हैं लिक्विड, सो मर्करी एक्सपेंड्स इजिली एंड यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग. द सेकेंड पॉइंट इज इट कैन बी यूज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. मर्करी एक ऐसा लिक्विड है जिसको किसी भी टेम्परेचर रेंज में हम यूज कर सकते हैं. टेम्परेचर बहुत लो हो वहाँ भी वो वर्क करेगा, टेम्परेचर का रेंज बहुत हाई हो वहाँ भी वर्क करेगा. इट मीन्स दैट मर्करी कैन बी यूज एज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. सो मर्करी इज यूज इन थर्मामीटर. ओके, द थर्ड पॉइंट इज इजली विजिबल एंड शाइनिंग. चूंकि हमको वहां पे रीड करना होता है, टेम्परेचर रीड करना होता है, तो वो अगर मर्करी हम फिल करते हैं तो मर्करी इज ऑफ लिक्विड कलर, सॉरी सिल्वर कलर लिक्विड. सो मर्करी क्या होगा, विजिबल होगा इजली और शाइनिंग होती है. कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो रीडिंग हम लेते हैं वो रीडिंग हमको इजिली मिल जाता है, यानी कि हम जो स्केल होता है स्केल को आसानी से पढ़ सकते हैं. ओके, द फोर्थ पॉइंट इज डज नॉट स्टिक टू साइड्स ऑफ अ ग्लास ट्यूब. ये जिस ग्लास ट्यूब के अंदर भरी होती है उसके वॉल से चिपकती नहीं है, ऐसा समझिए. बेसिकली लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से जिस सरफेस पे वो फ्लो होता है उस सरफेस के दीवारों से चिपक जाता है. बट यहाँ मर्करी अगर यूज हम करते हैं, मर्करी की ये विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मर्करी कभी भी जो जिस ग्लास रॉड में या जिस ट्यूब में हम उसको रखे हैं उसके वॉल से स्टिक नहीं होता है. सो बिकॉज ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक्स मर्करी इज यूज इन थर्मामीटर. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके, तो क्लिनिकल थर्मामीटर में आपको बताया गया था, इन क्लिनिकल थर्मामीटर द लोअर टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अपर रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, यानी कि जो टेम्परेचर रेंज होता है दैट एग्जिस्ट बिटवीन 35 टू 42 डिग्री. ओके, तो अगर हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करें
डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में। तो चूंकि जो क्रिटिकल थर्मामीटर होता है अगर हम उसमें वहाँ पे स्केल की हम डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हैं यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्रिटिकल थर्मामीटर में, क्योंकि जो रेंज होता है वो 35 से 42 सेंटीग्रेड तक होता है। तो आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी अगर फीवर नहीं है उस कंडीशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके, नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ क्रिटिकल थर्मामीटर, तो 35 से 42 रेंज होने के कारण जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आ सकता या 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि जब भी रैंक करेगा रैंकिंग बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नाउ देयर एग्जिस्ट अ क्वेश्चन इन आवर माइंड व्हाई द लेवल ऑफ लेवल ऑफ मर्करी डज नॉट गो बिलो व्हाई वी पुटिंग द मर्करी आउट ऑफ आवर नॉर्म। ठीक है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज किया। ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले अपने थर्मामीटर को साफ करके उसका जो बल्ब होगा आपके मुंह में लगाया गया यानी आपकी जीभ के नीचे बेसिकली वो प्रेस करता है और आपसे कहता है कि आप अपना माउथ क्लोज करिए। ओके, आपने अपना माउथ क्लोज किया, आफ्टर 2 or 3 मिनट वो आपके मुंह से थर्मामीटर को बाहर लेगा और थर्मामीटर के रीडिंग को पढ़ेगा। ठीक है, तो चूंकि वो आपके मुंह के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है इन कंपेयर टू जब हम उसको बाहर ले जाते हैं, यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर से आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या है ज्यादा है, मीन्स अगर हम बाहर ले आते हैं उसको उस कंडीशन में क्या होगा कि चूंकि बाहर का टेम्परेचर लो है तो जैसे ही बाहर निकालेंगे उसके अंदर जो मर्करी भरा उसका लेवल क्या होगा डाउन जाएगा यानी वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। मीन्स आप अगर निकाल करके उसको रीड करना चाहें उस कंडीशन में जैसे ही आप बाहर ले आते हैं मर्करी का लेवल डाउन होने की वजह से, ठीक है, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देना चाहिए पर वो एग्जैक्ट रीडिंग देता है बिकॉज कि देखिए वहाँ पे वाहन लाते समय टेम्परेचर मर्करी का लेवल डाउन होता ही है पर आपको क्रिटिकल थर्मामीटर बताते समय ये आपको बताया गया था क्रिटिकल थर्मामीटर एक हमने डायग्राम बनाया था इस तरह से और यहाँ पे बताया गया था कि ये आपका बल्ब है, ये मान लीजिए आपका बल्ब है, ये आपका लेवल, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ किंक बिटवीन, यहाँ पे क्या होता है देयर एग्जिस्ट अ किंक बिटवीन लेवल्स ऑफ थर्मामीटर, एक किंक होता है। ठीक है, जैसे ही मुंह के बाहर थर्मामीटर को निकालते हैं जो मर्करी का लेवल है वो नीचे जाता है ऐसे, बट जैसे ही इस किंक तक पहुंचता है वो लेवल क्या होता है ब्रेक हो जाता है यानी उसके नीचे टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता है। इस वजह से जो मेजर टेम्परेचर का होगा बॉडी के अंदर वही मेजर वही चीज आप रीड कर पाते हैं यानी वो एग्जैक्ट मेजर दे पाता है। अगर ये किंक नहीं होता किंक में तो क्या होता मर्करी का लेवल डाउन हो जाता, आपने मेजर कोई किसी और टेम्परेचर पे किया है लेकिन जब आप रीड करेंगे तो टेम्परेचर क्या होता मर्करी का लेवल डाउन होने की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस आता, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि जैसे ही लेवल राइज होता है किंक तक पहुँचने के बाद मर्करी जो क्या करता है लेवल को ब्रेक कर देता है क्योंकि ये यूनिफॉर्म यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म होता है बट यहाँ पे किंक होने की वजह से क्या होगा मर्करी के लेवल को ब्रेक कर देगा। इन दैट केस वी विल ऑब्जर्व द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग थर्मामीटर। जब भी हम थर्मामीटर को यूज करते हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए सावधानियां को बरतनी चाहिए। ओके, द फर्स्ट प्रिकॉशन
थर्मामीटर शुड बी वॉच बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज। जब भी हम थर्मामीटर यूज करते हैं तो यूज करने के पहले और यूज करने के बाद उसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, ठीक है। वी द थर्मामीटर शुड बी वॉच बिफोर एंड आफ्टर यूज प्रोबेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है। थर्मामीटर को यूज करने के पहले यूज करने के बाद दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम उसको क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे, धुल लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो उसमें जर्म्स वगैरह होंगे, पैथोजेंस होंगे, जो दूसरे के माउथ से उस थर्मामीटर में आते हैं, जो फील हो जाते हैं, और दूसरे वायरस या दूसरे बैक्टीरिया का अटैक दूसरी के बॉडी में नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता है किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज का, ओके। नाउ द सेकंड प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग थर्मामीटर इज दिस, बिफोर मेजरिंग द टेम्परेचर मेक श्योर दैट द मर्करी लेवल इज बिलो 35, ठीक है। यू कैन डू इट बाय होल्डिंग इट फर्मली एंड मेकिंग इट कंफ्यूजन, ठीक है। तो जब भी आप डॉक्टर थर्मामीटर यूज करेंगे उसके पहले आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि मर्करी का लेवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है या नहीं, यानी उसके लेवल को आप मेंटेन करेंगे। तो लेवल को मेंटेन करने के लिए चूंकि कील की वजह से मर्करी का जो लेवल होता है वो ब्रेक हो जाता है इसमें, तो क्या करेंगे उसको ऐसे हाथ से टाइटली होल्ड करके उसमें किक कर देंगे, हल्का सा जब कर देंगे हाथ से पकड़ के, जैसे ये थर्मामीटर है इसको पकड़ के आप क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे जब देंगे हाथ से, तो क्या होगा जो मर्करी का लेवल ब्रेक हो गया है किक की वजह से वो क्या होगा मेंटेन हो जाएगा, एंड दैट इज मेंटेन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। सो द सेकंड प्रिकॉशन इज व्हाइल यूजिंग थर्मामीटर यू शुड श्योर दैट द लेवल ऑफ मर्करी इज बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे उसको टाइटली होल्ड करके उस पे हल्का से जब करेंगे उसका लेवल क्या होगा मेंटेन करेगा। नाउ द थर्ड प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग थर्मामीटर इज कीप द थर्मामीटर बल्ब प्रॉपरली अंडर योर टंग और ऑफ एट लीस्ट 1 मिनट। जब भी आप यूज करेंगे उसको क्या करेंगे, या तो आप अपने माउथ के अंदर या फिर अपने आर्मपिट में आंख में यहां पर ऐसे दबा लेंगे, ठीक है, कम से कम 1 मिनट के लिए, ठीक है। 1 मिनट के लिए आप अपने माउथ के अंदर या फिर अपने आर्म में उसको रखेंगे, ठीक है, उस कंडीशन में ही वो आपको एग्जैक्ट रीडिंग दे पाएगा। Now to read the temperature keep the thermometer at eye level। जब भी आपको temperature read करना होगा उस condition में आप क्या करेंगे, जो thermometer में mercury का level है उसको अपनी आँख के सामने ऐसे रखेंगे सामने, ठीक है। You should keep the level of mercury, ठीक है, अपनी आँख के सामने उसको क्या करेंगे at eye level पर ऐसे रख करके तब read करेंगे, क्योंकि अगर आप नीचे या ऊपर उस समय क्या होगा थर्मामीटर जो मर्करी है उसके लेवल में डिफरेंस होगा, मींस वो एग्जैक्ट टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे होंगे उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप थर्मामीटर में जो मर्करी का लेवल है उसको अपने आई के लेवल पे रख करके फिर रीड करेंगे, ओके। नाउ ऑलवेज हैंडल द थर्मामीटर केयरफुली, इट कैन ब्रेक इफ इट हीट्स अगेंस्ट सम और ऑब्जेक्ट, थर्मामीटर को आप बहुत ही केयरफुली हैंडल करेंगे, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लास रबर, और आप जानते हैं कि ग्लास क्या होता है, थोड़ा सा जंग लगेगा तो टूटने का डर होता है, इसलिए जब भी आप थर्मामीटर को हैंडल करेंगे बहुत ही केयरफुली हैंडल करेंगे, ओके। यू शुड हैंडल थर्मामीटर वेयर केयरफुली बिकॉज इट शुड बी ब्रेक आफ्टर अ स्मॉल जंग, ओके। नाउ द लास्ट प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन इज नेवर होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब, आप कभी भी थर्मामीटर को बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, आप हाथ पकड़ेंगे, नीचे पकड़ेंगे उसको, ग्लास रॉड की तरफ से पकड़ेंगे, ओके। बिकॉज जो बल्ब होगा वहीं से सेंसेशन होता है, आप अगर बल्ब की तरफ से पकड़ के लगाते हैं तो यहाँ पर दो डर होता है, हाथों से पैथोजेंस का ट्रांसफर हो सकता है आपके माउथ में, अदरवाइज कुछ जैसे ही आप होल्ड करेंगे अपने हाथों से आपके हाथ के हीट की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से
अमीर का लेवल राइज होगा, और जब आप दूसरी जगह उसको यूज करने जाएंगे वहाँ पे वो एग्जैक्ट मेजर नहीं दे पाएगा। तो इन दैट केस यू नेवर होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब। तो इस तरह से कुछ प्रिकॉशंस है दैट शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंड यूजिंग अ थर्मामीटर। ठीक है, नाउ मूव ऑन अ टॉपिक एट पेज नंबर 45 एंड द टॉपिक इज डू यू नो फारेनहाइट के बारे में जरा हम जानते हैं। बेसिकली फारेनहाइट इसका डेवलप किया था, तो जरा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। फारेनहाइट स्केल इज अनदर कॉमनली यूज्ड स्केल टू एक्सप्रेस टेम्परेचर नेम्ड आफ्टर द जर्मन साइंटिस्ट डीजी फारेनहाइट। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि टेम्परेचर को मेजर करने का एक अदर स्केल है, दैट स्केल इज नोन एज फारेनहाइट स्केल, दैट इज डेवलप्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट डीजी फारेनहाइट। द लोअर एंड अपर डिग्री पॉइंट इन द स्केल आर 32 फारेनहाइट एंड 212 फारेनहाइट। द लोअर रेंज इन फारेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री फारेनहाइट एंड अपर रेंज इज 212 फारेनहाइट। ओके, मोस्ट क्लिनिकल थर्मामीटर स्टिल यूज दिस स्केल। ठीक है, अभी हमने एक स्केल यूज किया है क्लिनिकल थर्मामीटर का जो सेल्सियस स्केल पे बेस्ड था, लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन फारेनहाइट स्केल। ठीक है, आजकल जो जैसे कुछ थर्मामीटर आजकल यूज हो रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर बेसिकली वो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे वर्क नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो इस पे बेस्ड है फारेनहाइट स्केल। ठीक है, आजकल डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपके टेम्परेचर को वो फारेनहाइट स्केल पे मेजर करके बताएगा। ओके, क्योंकि वो आजकल जो थर्मामीटर यूज हो रहा है क्लिनिकल थर्मामीटर में वो बेसिकली फारेनहाइट स्केल पे बेस्ड है। ओके, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल में भी कन्वर्टेड इनटू फारेनहाइट स्केल बाय यूजिंग अ फार्मूला दैट इज डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। ठीक है, नाउ मूव ऑन अनदर टॉपिक दैट इज डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जरा डिजिटल थर्मामीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली आज नाउअडेज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से जो थर्मामीटर यूज हो रहा है बेसिकली वो डिजिटल थर्मामीटर यूज हो रहा है। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर मर्करी इन टॉक्सिक इन नेचर, इफ अ थर्मामीटर ब्रेक इट डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ मर्करी। सो नाउअडेज मर्करी थर्मामीटर आज बी रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मामीटर दैट डू नॉट यूज मर्करी। तो डिजिटल थर्मामीटर यूज करने के पीछे रीजन क्या है, जैसे आप अगर ग्लास वॉल वाला थर्मामीटर यूज करते हैं दैट थर्मामीटर मर्करी यूज एज ए लिक्विड। सो इफ वी पुट इट इन योर माउथ एंड इट ब्रेक्स देन ड्यू टू टॉक्सिक नेचर ऑफ मर्करी। ठीक है, उसका नेचर टॉक्सिक होता है, जहरीला होने की वजह से क्या होगा आपके माउथ में पॉइजनस कंडीशन क्रिएट करेगा, यानी पॉइजन की तरह से वर्क करेगा और एंड दैट कंडीशन इट इज वेरी वेरी सीरियस कंडीशन राइजेस ड्यू टू ब्रेक्स ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इन माउथ। मर्करी टॉक्सिक नेचर होने की वजह से इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस के कारण इनको आजकल यूज नहीं किया जा रहा है। We use digital thermometer in place of a thermometer that is based on mercury. Okay? So next topic we will discuss in next video. Okay? Thank you.